अमेरिका की राजनीति में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट रूम पहुंचते ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अमेरिकी इतिहास में वो पहले राष्ट्रपति हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया, हालांकि उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई गई। कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद उनके खिलाफ ट्रायल चलाने की परमिशन मिल गई है। अगले साल यानी कि जनवरी से ट्रंप के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने उन पर $1.22 लाख का जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान ट्रंप ने पैसों की हेराफेरी के 34 मामलों में खुद को बेकसूर बताया। कोर्ट ने फिलहाल उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया है, लेकिन उन्हें सोशल मीडिया पोस्ट से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। सुनवाई पूरी होने के बाद वो कोर्ट रूम से निकले और अपने काफिले के साथ रवाना हो गए। सुनवाई के दौरान प्रोसिक्यूटर यानी कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि ट्रंप ने राज छिपाने के लिए $1,30,000 का अवैध भुगतान किया। चूंकि पॉर्न स्टार से संबंध होने की खबर से उनका इलेक्शन कैंपेन प्रभावित होता, इसलिए उन्होंने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को मुंह बंद रखने के लिए भारी भरकम राशि चुकाई। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को गवाह बनाने की बात भी कही है। 16 पन्नों के अभियोग में आरोप लगाया गया कि ट्रंप ने अपने पूर्व वकील माइकल कोहेन को नियमों का उल्लंघन करते हुए $1,30,000 दिए। यानी 2016 के अमेरिकी चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ अपने यौन संबंधों से जुड़ी खबरों को दबाने के लिए भारी भरकम राशि का भुगतान किया, जिसे पॉर्न स्टार को दी गई पेमेंट भी शामिल है। इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर चुनावी कानूनों का उल्लंघन किया। इसी मामले में 30 मार्च को ट्रंप के खिलाफ आरोप तय किए गए थे और ट्रंप पर आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए मैनहट्टन कोर्ट में अपील की गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रंप पर अगले साल जनवरी से ट्रायल शुरू करने की परमिशन दे दी, जबकि मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होनी है। शुरुआत में ट्रंप ने कोर्ट में पेशी से पहले मामले की सुनवाई मैनहट्टन से बाहर करने की इच्छा जताई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि ये बहुत ही नाइंसाफी वाली जगह है। यहाँ कुछ इलाकों में सिर्फ 1% लोगों ने रिपब्लिकन को वोट किया था। मामले की सुनवाई मैनहट्टन से बाहर होनी चाहिए। मैनहट्टन के जज और उनके परिवार के बारे में जग जाहिर है कि वे ट्रंप विरोधी हैं। उन्होंने पिछले मामले में गलत फैसला सुनाया था। जज की बेटी ने कमला हैरिस के लिए काम किया है और वे बाइडेन हैरिस कैंपेन के लिए काम कर रहे हैं। कंगारू कोर्ट। ट्रंप जैसे ही कोर्ट पहुंचे, उन्होंने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया। वहीं कोर्ट में पेशी से पहले न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट के जज जुआन मर्चेंट ने कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति की कोर्ट में सुनवाई के दौरान टीवी कैमरों को मंजूरी नहीं दी जाएगी। कोर्ट पहुंचने पर ट्रंप का मगशॉट नहीं लिया गया, हालांकि इस दौरान उनके फिंगरप्रिंट जरूर लिए गए। अब ट्रंप का मामला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। हालांकि इस केस में फैसला आने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन उन पर आरोप तय होते हैं तो वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति होंगे जो किसी आपराधिक मामले में दोषी करार दिए जाएंगे।